जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं सुबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव ने। दोस्तों यह एकेडमी नासिक से 60 किलोमीटर दूर नासिक औरंगाबाद हाईवे पर स्थित है। दोस्तों इस एकेडमी के अंदर डिफेंस की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, CISF, ITBP, SSB, BSF, NIA, SSF, असम राइफल, BRO, ग्रीप, इन सबके दोस्तों यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ में रिटर्न पेपर की बहुत ही कम फीस के अंदर तैयारी कराई जाती है। अगर दोस्तों अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 70 to 80 thousand दोस्तों वैकेंसीज आ रही है, अगर आपने इसकी तैयारी करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर एक, 1 जुलाई 2021 को किसने फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों ये शुरुआत की है नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर ये केंद्रीय कृषि मंत्री है। दोस्तों कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री। दोस्तों इसी साल हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोस्तों कौन सी आज़ादी की? हम लोग 15 अगस्त को आज़ादी के दोस्तों हम लोग 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। पीएम फसल बीमा योजना दोस्तों 13 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। 13 जनवरी 2016 को कौन सी योजना दोस्तों शुरू हुई थी? पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों उसी योजना का दोस्तों ये फसल बीमा जागरूकता दोस्तों अभियान है। प्रधानमंत्री किसान योजना का दोस्तों शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री किसान योजना का दोस्तों शुभारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को दोस्तों प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभारंभ हुआ था। इसी योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये 3 किस्त में मिलते हैं। दोस्तों टोटल कितने मिलते हैं साल में? 6000 रुपये मिलते हैं दोस्तों किसानों को। कृषक सम्मान निधि योजना दोस्तों ये कौन से राज्य ने दोस्तों शुरुआत की इसकी? कृषक सम्मान निधि योजना दोस्तों ये शुरुआत की है पश्चिम बंगाल सरकार ने, जिसके तहत 10000 रुपये दोस्तों एक साल में किसानों को दिए जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ध्येय वाक्य क्या है? दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या है दोस्तों? स्वस्थ धरा खेत हरा, ये दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ध्येय वाक्य। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आरंभ कब हुआ दोस्तों? ये हुआ 19 फरवरी 2015 को दोस्तों इस योजना का आरंभ हुआ। कृषक बंधु योजना दोस्तों, कृषक बंधु योजना ये दोस्तों एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक हो गई। कृषक सम्मान निधि योजना दोस्तों ये केंद्र सरकार की है, उसी योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान योजना दोस्तों शुरू हुई थी। और कृषक बंधु योजना दोस्तों ये कौन से सरकार की? कृषक बंधु योजना दोस्तों ये है कृषक बंधु योजना जो दोस्तों ये किस कौन से सरकार की दोस्तों ये है वेस्ट बंगाल सरकार की। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन दोस्तों? ममता बनर्जी। दोस्तों इसी योजना के तहत जो है कौन सी? कृषक बंधु योजना। इसी योजना के तहत पश्चिम बंगाल में किसानों को 10000 रुपये दोस्तों साल में दिए जाएंगे। पहले इसी योजना के तहत कितने पैसे मिलते थे? 5000 रुपये मिलते थे पश्चिम बंगाल में, और अभी कितने कर दिए इसको? डबल कर दिए 10000। आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2021 को देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों ये की गई बेंगलुरु में। दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है,
कर्नाटक के सेम दोस्तों, येदियुरप्पा दोस्तों कर्नाटक के सीएम है दोस्तों। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के ऊपर एक मूवेबल फ्रेश वाटर टनल दोस्तों एक्वेरियम की दोस्तों स्थापना की गई दोस्तों। देश का ये पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम दोस्तों, और दोस्तों ये 12 फीट लंबा है दोस्तों। कितना? ये 12 फीट लंबा है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजॉन वर्षा वन को दोस्तों। अमेजॉन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर दोस्तों 20% ऑक्सीजन दो दोस्तों कहाँ से मिलता है? इसी अमेजॉन वर्षा वन में भी मिलता है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों विश्व में अमेजॉन की वर्षा वनों में पाई जाती है। दोस्तों अमेजॉन नदी के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अमेजॉन के नदी के घास के मैदानों को दोस्तों क्या कहा जाता है? सेलवास कहा जाता है। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है दोस्तों? वह है कोलकाता मेट्रो। कौन सी दोस्तों? कोलकाता मेट्रो। दोस्तों ये हुगली नदी के नीचे से दोस्तों गई है। हुगली नदी के नीचे से गई दोस्तों। कोलकाता मेट्रो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में दोस्तों। सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से दोस्तों? केरल राज्य से। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम दोस्तों। और दोस्तों ये जो सिल्वर लाइन परियोजना है ये दोस्तों कासारगोड से लेकर के दोस्तों तिरुवनंतपुरम तक दोस्तों, कहाँ तक है? तिरुवनंतपुरम तक दोस्तों। और कितना किलोमीटर दोस्तों? ये 530 किलोमीटर की दोस्तों ये सिल्वर लाइन है। और दोस्तों 530 किलोमीटर का सफर ये 4 घंटे में पूरा करेगी। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस का शुभारंभ किन दो स्थानों के मध्य हुआ दोस्तों? तो वो हुआ था मुंबई और विशाखापट्टनम। मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच में दोस्तों ये हुआ था ऑक्सीजन एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। पहली किसान रेलवे 2020 में दोस्तों चलाई गई थी 7 अगस्त 2020 को। दोस्तों ये कौन से दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई दोस्तों? देवलाली महाराष्ट्र से, दोस्तों दानापुर बिहार के बीच में दोस्तों ये किसान रेलवे चलाई गई थी। दानापुर पड़ता है दोस्तों बिहार में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में सरीसृप वैज्ञानिकों ने पहली बार दुर्लभ प्रजाति के सांप ब्लैक बेलीड कोरल की खोज की है दोस्तों? दोस्तों ये ब्लैक बेलीड कोरल की खोज की दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ पर की गई इसको? उत्तराखंड में इसकी खोज की गई दोस्तों। मसूरी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर दोस्तों इसकी खोज की गई। मसूरी वन्यजीव अभयारण्य। और दोस्तों कल ही मैंने आपको कुछ बताया था, महाराष्ट्र के अंदर एक मकड़ी दोस्तों, नहीं दोस्तों स्पाइडर की प्रजाति पाई गई। उसका नाम क्या है? किसके नाम पर रखा दोस्तों? तुकाराम। इनके नाम पर दोस्तों रखा गया, पुलिस कांस्टेबल तुकाराम, जो 26/11 में दोस्तों हमला हुआ था कसाब को, जिन्होंने जिंदा पकड़ा था दोस्तों, उनके नाम पे रखा गया दोस्तों। उनके नाम पे दोस्तों इस मकड़ी का नाम क्या रखा? ICS तुकारामी दोस्तों। क्या नाम रखा इसका? ICS तुकारामी।
दोस्तों शिस्टुरा हिरण्यकेशी, ये किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति दोस्तों, ये महाराष्ट्र अम्बोली में दोस्तों इसको खोजा गया। किसने खोजा दोस्तों इसको? तेजस ठाकरे ने दोस्तों इसको खोजा गया। पायरोस्ट्रिया, पायरोस्ट्रिया लाल जी दोस्तों क्या है? पायरोस्ट्रिया लाल जी दोस्तों ये किसकी प्रजाति दोस्तों? ये है कॉफी की प्रजाति। किसकी दोस्तों? ये कॉफी की प्रजाति दोस्तों। ये कहाँ पर पाई गई? अंडमान एंड निकोबार में। जाइलोफस द्वीप की दोस्तों कौन सी? जाइलोपस द्वीप की दोस्तों ये किसकी प्रजाति है दोस्तों? ये सांप की प्रजाति है दोस्तों। ये कहाँ पर पाई गई दोस्तों? ये भी तमिलनाडु के अंदर पाई गई। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। अक्सर चर्चा में रहने वाला ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है दोस्तों? ताल ज्वालामुखी दोस्तों ये फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ये दोस्तों फिलीपींस में स्थित है ताल ज्वालामुखी। दोस्तों इसी ज्वालामुखी में अभी अभी विस्फोट हुआ है, इसलिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों विस्फोट होने के बाद यहाँ पर लावा जम गया दोस्तों, यहाँ पर जो है लावा जम गया दोस्तों। और दोस्तों वहाँ पर जो है अगल बगल में वहाँ पर चेतावनी दी गई दोस्तों, वहाँ पर पूरा एरिया खाली करने के लिए बोल दिया। फिलीपींस के दोस्तों कैपिटल क्या है? फिलीपींस के दोस्तों कैपिटल है मनीला। दोस्तों इसी मनीला में कौन कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर दोस्तों? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। और मनीला में ही दोस्तों रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। मनीला में दोस्तों रैमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों दिया जाता है। इसी अवार्ड को दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है दोस्तों। इसी अवार्ड को नोबेल का, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2019 में दोस्तों इसको रवीश कुमार, एनडीटीवी के जो पत्रकार दोस्तों रवीश कुमार, इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 का दोस्तों दिया गया। दोस्तों किस क्षेत्र में? ये पत्रकारिता क्षेत्र में इन्हें दोस्तों ये अवार्ड दिया गया था। कुछ दोस्तों फिलीपींस की राजधानी क्या दोस्तों? मनीला। रेमन मैक्स से पुरस्कार दोस्तों कहा के दिए जाते हैं मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है? मनीला। और दोस्तों मनीला फिलीपींस की क्या है? कैपिटल है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो है ज्वालामुखी ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर लिख करके आपको सभी बता रहा हूँ। जैसे विशु, विशु वीएस, विशु वीएस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये है दोस्तों इटली में। कहाँ पर है? इटली में दोस्तों। स्ट्रम्बोली दूसरा कौन सा है? स्ट्रम्बोली दोस्तों ये कहाँ पर है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों कहा जाता है स्ट्रम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों कहा जाता है स्ट्रॉम्बोली को। बैरन द्वीप दोस्तों, बैरन द्वीप ज्वालामुखी दोस्तों कहां पर है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार में। किली मंजारो दोस्तों, किली मंजारो जो है ये कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका में। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अफ्रीका में। दोस्तों ये अफ्रीका की सबसे बड़ी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। वाईएसआर बीमा योजना किस राज्य सरकार की पहल है दोस्तों? वाईएसआर बीमा योजना दोस्तों ये आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है दोस्तों। किसकी है? आंध्र प्रदेश सरकार की दोस्तों ये पहल है। आंध्र प्रदेश के दोस्तों कैपिटल 3 है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल दोस्तों।
और दोस्तों वाईएसआर बीमा योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर अगर स्वाभाविक मृत्यु किसी की हो जाती है दोस्तों, नेचुरल डेथ, उसके लिए दोस्तों 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई एक्सीडेंशल अगर दोस्तों किसी की डेथ हो जाती है दोस्तों, तो उसके घरजन परिवार वालों को दोस्तों 7.5 लाख रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। ये है वाईएसआर बीमा योजना। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर कब नया राज्य बन गया दोस्तों? 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित 3 राजधानी कौन सी दोस्तों? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी 66वीं वर्षगांठ मनाई। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन दोस्तों? दोस्तों वर्तमान में इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा दोस्तों, इसके चेयरमैन है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बैंक दोस्तों 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता दोस्तों, कौन सी? बैंक ऑफ कोलकाता का दोस्तों स्थापना हुई। 1840 में दोस्तों बॉम्बे बैंक की दोस्तों स्थापना हुई। 1843 में दोस्तों 1840 दोस्तों ये 1843 में दोस्तों मद्रास बैंक की दोस्तों स्थापना हुई। दोस्तों इन तीनों भी बैंक का विलयकरण दोस्तों 1921 में दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हुआ दोस्तों। किसमें? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों इनका विलयकरण हुआ दोस्तों। और गोरेवाला समिति की सिफारिश के ऊपर दोस्तों, गोरेवाला समिति की सिफारिश के ऊपर इसी बैंक को दोस्तों 1 जुलाई 1955 को SBI बन गया दोस्तों। 1 जुलाई 1955 को दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों स्थापना हुई। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत बैंक कौन सा दोस्तों? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई दोस्तों? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई दोस्तों SBI की स्थापना। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? सिडबी बैंक का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों, किसकी? नाबार्ड दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों किस समिति की सिफारिश पे हो दोस्तों? शिवरमन समिति। कौन दोस्तों? शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई दोस्तों। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में। ये सबके सब दोस्तों अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई दोस्तों? RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग दोस्तों, यंग हिल्टन आयोग के दोस्तों सिफारिश पर दोस्तों RBI की स्थापना हुई। 1934 एक्ट के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों RBI की स्थापना हो गई दोस्तों। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दोस्तों अभी कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में दोस्तों। पहले जब दोस्तों इसकी स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था दोस्तों? कोलकाता में। कहाँ पर था? कोलकाता में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। 2 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों? तीरथ सिंह रावत दोस्तों ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। इनसे पहले दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत दोस्तों बन गए। और दोस्तों ये पौड़ी उत्तराखंड दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये सांसद थे दोस्तों। ये सांसद होने के बाद भी ये मुख्यमंत्री दोस्तों बन चुके थे। और दोस्तों जब ये सांसद कोई मुख्यमंत्री बनता है या फिर कोई विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, वो मुख्यमंत्री बनता है दोस्तों, तो उसे छः महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता है दोस्तों। लेकिन ये 6 महीने अभी दोस्तों होने में बाकी हैं और अगले साल जो है उत्तराखंड के अंदर दोस्तों चुनाव होने वाला है दोस्तों, तो इन्होंने ये सोचा होगा शायद कि अभी विधानसभा का सदस्य बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया।
देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया? उत्तराखंड के अंदर। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान वो पहला टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा है? दोस्तों वो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों यही भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला टाइगर रिजर्व है दोस्तों। इसका पहले नाम क्या था? जिम कार्बेट का पहले नाम तो दोस्तों हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क दोस्तों नाम बदल के क्या रख दिया? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। चंबा सुरंग दोस्तों ये उत्तराखंड में कहाँ पर है? चंबा सुरंग दोस्तों कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर ही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी दोस्तों? गैरसेन। कौन सी दोस्तों? गैरसेन जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। देश का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। देश का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी बांध दोस्तों ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। और ये कौन से नदी किनारे दोस्तों? भागीरथी नदी के किनारे दोस्तों, ये भागीरथी नदी पर दोस्तों ये टिहरी बांध। चर्चा में रही माना पटेल किस खेल से संबंधित दोस्तों? दोस्तों ये माना पटेल तैराकी दोस्तों। और दोस्तों ये जो है टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला, पहली महिला दोस्तों। इससे पहले दोस्तों साजम प्रकाश जो है दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक तैराकी में दोस्तों क्वालिफाई कर लिया था दोस्तों। और दोस्तों और एक था श्रीहरि नटराजन दोस्तों, सेकंड नंबर पे इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक दोस्तों तैराकी में क्वालिफाई कर लिया था। नेत्रा कुमनंग का संबंध दोस्तों किससे? नाविका। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, फवाद मिर्जा घुड़सवारी, भवानी सिंह तलवारबाजी, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, विनेश फोगाट कुश्ती दोस्तों। ये सब दोस्तों आपको पता होने चाहिए। टोक्यो ओलंपिक दोस्तों ये कब होने वाला है? 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को दोस्तों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है दोस्तों। इन्हें ही सियोल शांति पुरस्कार दोस्तों दिया गया, इन्हें ही सियोल शांति पुरस्कार दोस्तों दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दोस्तों मुख्यालय कहां पर दोस्तों? इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों। कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगवाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं हम, विश्व में सर्वप्रथम ये चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में मिला, बिल्कुल सही है। भारत में सबसे पहले इसका मर्ज केरल में मिला दोस्तों, बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को किसे महामारी घोषित किया दोस्तों? इसे महामारी घोषित किया दोस्तों ये भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन दोस्तों सही है दोस्तों। और दोस्तों भारत में सबसे पहले इसका मरीज केरल में पाया गया दोस्तों। और दोस्तों केरल के अंदर जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी दोस्तों के शैलजा दोस्तों, कौन सी? के शैलजा दोस्तों। इन्होंने इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया कंट्रोल कराया था दोस्तों, इसलिए इन्हें टॉप थिंकर अवार्ड दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिवर्ष वन महोत्सव दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों हर वर्ष वन महोत्सव दोस्तों जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में दोस्तों मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई को दोस्तों ये मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसका शुभारंभ दोस्तों किसका किया? 2021 में इसका शुभारंभ दोस्तों किसने किया? पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर दोस्तों, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है 22 मई को दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
प्राणवायु पुरस्कार का संबंध दोस्तों किस योजना से? अंकुर योजना से दोस्तों प्राणवायु पुरस्कार का संबंध। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा दोस्तों? रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। कुछ इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पर दोस्तों स्थित है? दोस्तों वन रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये वन रिपोर्ट हर 2 वर्ष में एक बार आती है दोस्तों। कहाँ से आती है? देहरादून से आती है दोस्तों। और दोस्तों वन क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे नंबर वन पे दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन दोस्तों? मध्य प्रदेश। और दोस्तों सेकंड नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मिजोरम के अंदर दोस्तों। कितने प्रतिशत है? 85%। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वन दोस्तों? कितने प्रतिशत वन है? 24.56% दोस्तों क्या है? वन है दोस्तों। श्रीलंका के नाम दर्ज हुआ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड दोस्तों। ऐसी न्यूज दोस्तों कल की। श्रीलंका दोस्तों टोटल वनडे क्रिकेट में दोस्तों 428 मैच हारा है दोस्तों। भारत का नंबर कौन सा दोस्तों? भारत 427 दोस्तों मैच हारा है। पाकिस्तान का नंबर कौन सा दोस्तों? 414 दोस्तों पाकिस्तान हारा है। सर्वाधिक दोस्तों श्रीलंका मैच वनडे क्रिकेट में दोस्तों हारा है। फ्लिपकार्ट ने दोस्तों ऑनलाइन कारोबार के लिए अभी नया ऐप लॉन्च किया दोस्तों। उसका नया नाम क्या दोस्तों? शॉपसी। क्या है दोस्तों? शॉपसी। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इस करंट अफेयर पसंद आ गया दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।